हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे हैं डिजाइन एंड ड्राइंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। पिछले वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम वन देखा था बोल्टेड कनेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग ये प्रॉब्लम कर चुके हैं जहाँ पर हमको नंबर्स ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड कैलकुलेट करने के लिए बोला था। तो अगर ये प्रॉब्लम आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा प्लेलिस्ट का बना के, आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए सेकंड प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमें किस तरीके से दिया है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे उसका गिवन पार्ट हम लोग लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं कंप्यूट द डिजाइन स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पर ही हमको कैलकुलेट करने को बोला है डिजाइन स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी, ठीक है, ऑफ ए बेयरिंग टाइप कनेक्शन फॉर कनेक्शन एज शोन इन फिगर बिलो। तो पूरा का पूरा फिगर हमको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद गिवन देख सकते क्या बोला है, द बोल्ट आर ग्रेड 4.6। तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर दीजिएगा, गिवन फॉर 4.6 ग्रेड। तो यहाँ पर हमको क्या दिया जाता है, एफ यू बी की वैल्यू, ठीक है, एफ यू बी। तो 4.6 के लिए एफ यू बी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.6 के लिए एफ यू बी की वैल्यू होती है 400, ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 400 MPa। तो MPa मतलब न्यूटन पर MM स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू है 400 न्यूटन पर MM स्क्वायर। उसके बाद बोला है डायमीटर 20 mm डायमीटर है, तो डी होता है हमारा स्मॉल डी, डायमीटर 20 mm। अब साथ में हम लोग डी नॉट भी लिख लेंगे, डी नॉट। अभी जैसे कि पिछला वीडियो आपने देखा ही होगा, तो अगर वापस से अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं वापस बता दूं, अगर 20 mm का डायमीटर है तो उसके लिए क्लियरेंस कितना होता है, देखो 16 से लेकर 24 के बीच में है तो क्लियरेंस होगा 2, मतलब डी प्लस 2 करेंगे तो हमको डी नॉट मिलेगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, डी प्लस 2 करेंगे तो डी नॉट मिलेगा। तो डी प्लस 2 मतलब 20 प्लस 2 दैट इज 22 mm हो गया हमारा डी नॉट, और डी हो गया हमारा 20। साथ साथ में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एंड प्लेट आर एफ ई 410 ग्रेड। तो इसको इसका मतलब क्या होता है, फॉर एफ ई 410, यहाँ से हमको डायरेक्ट एफ यू की वैल्यू दी जाती है, ठीक है, स्मॉल एफ यू होता है, एफ यू की वैल्यू दी जाती है जो कि 410, जो यहाँ पर नंबर लिखा होता है 410, वही उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 410। इसका भी यूनिट होता है MPa, मतलब न्यूटन पर MM स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा गिवन पोर्शन हो चुका है क्वेश्चन के हिसाब से। अब हमको डायग्राम में देख के समझना है डायग्राम में क्या क्या चीज गिवन है, ठीक है। और एक और चीज जो गिवन नहीं आता वो होता है गामा MB, जो होता है हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.25, ठीक है। अब देखो डायग्राम को ध्यान से, तो हम डायग्राम को देख के हमको समझ में आ रहा है कि ये डबल कवर बट जॉइंट है, ठीक है। ये पहला कवर है हमारा और ये दूसरा कवर, ठीक है, डबल कवर बट जॉइंट है। और यहाँ पर देख सकते हो 4 बोल्ट है और इस साइड 4 बोल्ट है। उसके बाद यहाँ पर हमको कुछ इन्होंने वैल्यूज दी है, यहाँ से यहाँ तक 35, यहाँ से यहाँ तक 65, यहाँ से यहाँ तक 35, फिर 35, 65, फिर 35, फिर 35, 120, फिर 35। ध्यान देना ऑल डायमेंशन आर इज MM। और उसके बाद बोला गया 12 mm थिक मेन प्लेट है, ये हमारी मेन प्लेट होती है, ठीक है, 12 mm की मेन प्लेट है थिक, और जो 8 mm थिक हमारी कवर प्लेट है, ये जो दोनों कवर प्लेट है उसकी थिकनेस है 8 mm। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। यहाँ से हमको क्या चीज पता चलता है, यहाँ से हमको मिनिमम पिच और मिनिमम एंड डिस्टेंस मालूम पड़ता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पिच डिस्टेंस क्या होता है। देखो दोनों बोल्ट के बीच का डिस्टेंस होता है पिच डिस्टेंस, और एंड या फिर एज डिस्टेंस देख सकते हैं क्या होता है, एज डिस्टेंस ये वाला होता है मतलब परपेंडिकुलर टू द लोड, और एंड डिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल टू द लोड। तो यहाँ पर हमको एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको एंड की रिक्वायरमेंट है और हमको पिच की रिक्वायरमेंट है। तो देखो डायग्राम को देख के हमको एंड और पिच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मिनिमम पिच, पी जिसको कहते हैं मिनिमम पिच। देखो पिच क्या होता है, दो बोल्ट के बीच का डिस्टेंस। तो कितना है, देखो डिस्टेंस दिया है दो बोल्ट के बीच का, दैट इज पैरेलल टू द लोड। तो लोड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, पैरेलल टू द लोड, दैट इज 65 mm, 65 mm। उसके बाद मिनिमम एंड डिस्टेंस जिसको ई से डिनोट करते हैं,
एंड डिस्टेंस क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, इस प्लेट के एंड तक, कवर प्लेट के एंड से लेकर बोल्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस, जो कि है 35, ठीक है, 35 mm. देख सकते हो यहाँ पर एंड डिस्टेंस क्या होता है, बोल्ट से, बोल्ट के सेंटर से लेकर कवर प्लेट के एंड तक का, ठीक है. तो यहाँ पर हो गया हमारा पिच एंड एंड. अब चलते हैं हम लोग कैलकुलेशन पार्ट की तरफ. इतना ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पर क्या बोला है, डिजाइन स्ट्रेंथ. जैसे कि अगर पिछला प्रॉब्लम आपने देखा होगा, तो पिछले प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा लैप ज्वाइंट होता है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमको लैप ज्वाइंट गिवन था, ठीक है, लैप ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट होता है तो हमें सिर्फ बेयरिंग कैलकुलेट करना पड़ता है और शेयरिंग कैलकुलेट करना पड़ता है, टेयरिंग नहीं निकालना पड़ता लैप ज्वाइंट में. लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि डबल कवर बट ज्वाइंट है. जब भी बट ज्वाइंट आता है तब हमें बेयरिंग, शेयरिंग और टेयरिंग तीनों भी निकालना पड़ता है, और उन तीनों में से जो भी छोटा होता है वो होता है हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन. तो मैं एक यहाँ पर नोट लिख देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नोट मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए. फॉर डबल कवर बट ज्वाइंट कैलकुलेट शेयरिंग बेयरिंग एंड टेंशन, मतलब टेयरिंग, VDSB, VDPB एंड TDP, ठीक है. और इन तीनों में से जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज कॉल्ड डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन. तो चलिए हमको अभी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन पहले निकालना है, फिर एफिशिएंसी निकालना है. तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन की तरफ. तो सॉल्यूशन पार्ट हम लोग चालू करते हैं. हम लोग शेयरिंग निकालते हैं, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट. शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का क्या होता है, ये सब फॉर्मूले आपको IS 800-2007 में मिल जाएंगे. कुछ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जाके IS कोड में जाके ये सब फॉर्मूले देखने हैं. तो शेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला VDSB = VNSB अपॉन गामा MB. तो VNSB की जगह ये पूरा रखेंगे और गामा MB की जगह पर 1.25 रखेंगे, ठीक है. तो ये सब हम, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ. यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला मैंने एज इट इज लिख लिया है, जो हमारा शेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला है. बस अभी हमको उसमें अपनी सारी वैल्यूज को पुट करना है. तो चलिए एक एक करके. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं FUB. तो FUB क्या है, यहाँ पर देख सकते हो फॉर 4.6 जो ग्रेड दिया था उसके हिसाब से FUB की वैल्यू है 400, ठीक है. और गामा MB हमें मालूम है 1.25. अभी देखो NN ANB NS × ASB, ये कहाँ से निकालेंगे हम लोग. तो थोड़ा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में तो हमको कुछ बोला नहीं गया है कि आपका जो थ्रेड है, जो हमारा बोल्ट का थ्रेड होता है, वो इन्वॉल्व है कि नहीं शेयरिंग जोन में. यहाँ पर दो शेयरिंग जोन आएंगे, एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा, ठीक है. दो शेयरिंग जोन आएंगे तो दोनों भी शेयरिंग जोन इन्वॉल्व है या नहीं, ये चीज हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है. जब ये चीज क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तब हमको अज्यूम करना पड़ता है. देखो देयरफॉर हमको ऐसा अज्यूम करना है कि हमारा जो बोल्ट है, देखो ये जो हमारा बोल्ट है इस तरीके से, ये पूरा का पूरा थ्रेडेड है, ठीक है. ये हमको अज्यूम करना है कि ये पूरा का पूरा थ्रेडेड है. इसका मतलब क्या है, देखो डबल कवर के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर दो शेयरिंग जोन आ रहा है, एक शेयरिंग जोन यहाँ पर आएगा और एक शेयरिंग जोन यहाँ पर आएगा, ठीक है. डबल कवर के कारण, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि दो शेयरिंग जोन आएगा, एक शेयरिंग जोन आपका यहाँ पर आएगा और एक शेयरिंग जोन यहाँ पर आएगा, ठीक है. तो ऐसा मान के चलना है कि ये दोनों भी शेयरिंग जोन किस में आ रहे हैं, थ्रेड में आ रहे हैं. तो फिर थ्रेड में क्या होता है, NN होता है या NS होता है, आपको याद नहीं आ रहा है. तो यहाँ पर देखिए NN क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर प्लेन विद इन द थ्रेड्स. तो हम लोग को ऐसा मान के चलना है कि दोनों भी शेयर प्लेन थ्रेड के अंदर है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो. अगर NS, फिर क्या हो जाएगा, NS हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग दोनों भी NN में मान रहे हैं. तो देयरफॉर NN = 2, हम लोग दोनों भी शेयर प्लेन मान रहे हैं कि थ्रेडिंग में है. इसका मतलब क्या है, NS मतलब शंख में कुछ नहीं है, ठीक है, जीरो. तो ध्यान से देखो ये NN = 2, ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर प्लेन ऑन ए सिंगल बोल्ट, ठीक है, सिंगल बोल्ट. लेकिन यहाँ पर कितने बोल्ट हैं, यहाँ पर चार बोल्ट है, 1 2 3 4, ठीक है, चार बोल्ट है. क्वेश्चन में ये चीज क्लियरली गिवन है कि यहाँ पर चार बोल्ट है. तो आपका NN मल्टीप्लाई बाय
फोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी फाइनल एन एन की जो वैल्यू होगी, एन एन इक्वल्स टू 4 × 2, दैट इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। यहाँ पर एन एन की वैल्यू आपकी 8 है, क्योंकि 4 बोल्ट है वहां पर टोटल। ये चीज आपको बहुत ध्यान देना है कि आपको जितने बोल्ट दिए हैं उन सबको एन एन देना है, क्योंकि एक बोल्ट में हम लोग गिन रहे हैं ना कि दो शेयरिंग जोन है, एक बोल्ट में दो शेयरिंग जोन है, तो 4 बोल्ट में कितने शेयरिंग जोन होंगे, 4 × 8, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। लेकिन ये चीज बहुत ध्यान देने वाली होती है, क्योंकि अगर गलती से आपने 2 ले लिया तो आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। हमको लेना है 8, ठीक है ना। आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है, मतलब टोटल 8 बोल्ट है, ऐसा नहीं होता। ये देखो, ये जो मेन प्लेट है इसको ये वाले बोल्ट संभाल रहे हैं, और ये जो मेन प्लेट है उसको ये वाले बोल्ट संभाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हाफ के इधर का देखना पड़ता है और हाफ के इधर का देखना पड़ता है, ठीक है। तो 4 बोल्ट है हमारे पास टोटल, तो हमारा एन एन 4 × 2 दैट इज 8 हो जाएगा। और ए एन बी चाहिए तो हम लोग ए एन बी पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होता है 0.78 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 d² डी कितना है हमारा, डी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था हमको डायमीटर, क्वेश्चन में देखो डायमीटर दिया है 20, तो 20 रख देंगे वहां पर, 20 का स्क्वायर दैट इज 20 का स्क्वायर। तो ये सब अभी आपके पास है, सबको पुट कर दो फॉर्मूले में। तो वी डी एस बी इक्वल्स टू एफ यू बी, एफ यू बी कितना था, एफ यू बी है हमारा 400, ठीक है 400। तो सब कुछ है अभी आपके पास, रख दो उसमें, 400 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय गामा एम बी होता है 1.25, और ब्रैकेट में एन एन, देखो एन एन मैंने क्या बोला था, 8 रखना है हमको, एन एन इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय ए एन बी। तो ए एन बी इसको कैलकुलेट करके भी रख सकते हैं, नहीं तो साथ में कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेटर में हम लोग पूरा एक साथ पुट कर सकते हैं। तो पाई बाय 4 20 का स्क्वायर, ठीक है। और बाकी तो ये एन एस 0 हो गया ना, एन एस 0 हो गया तो ये ए एन बी तो मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो +0 हो जाएगा, लिखने की कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, आपको वी डी एस भी मिल जाएगा। यहाँ से आंसर आता है हमें 362179, ठीक है। तो आंसर आता है न्यूटन में है कि किलो न्यूटन में है, देखो यहाँ पर हमने एफ यू बी की वैल्यू पुट की है, एफ यू बी, तो एफ यू बी हमारा न्यूटन में गिवन होता है, देखो एफ यू बी हमको न्यूटन में गिवन होता है, तो ये जो आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा, लेकिन हमको फाइनल आंसर किलो न्यूटन में चाहिए होगा। तो यहाँ से इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दो, 362.17 किलो न्यूटन। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर शेयरिंग के लिए। जैसे अभी हमने शेयरिंग के लिए किया, अब हमको बेयरिंग के लिए भी करना है। तो चलिए, जैसे शेयरिंग के लिए किया वैसे बेयरिंग के लिए, बेयरिंग का फॉर्मूला लिख सकते हैं, बेयरिंग कैपेसिटी का वी डी पी बी इज इक्वल्स टू वी एन पी बी अपन गामा एम बी। तो ये फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का फॉर्मूला लिख लिया एज इट इज, जो यहाँ पर है, खाली वी एन पी बी को हमने ऊपर डाल दिया और जो गामा एम बी है उसको नीचे रखा है। तो वैसे ही कुछ चेंजेस नहीं है फॉर्मूले में, बस हमको यहाँ पर वैल्यूज डालने हैं। तो यहाँ पर जो के बी होता है वो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, के बी। तो चलिए के बी को कैलकुलेट कर लेते हैं, के बी, क्योंकि के बी के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, देखो 1 2 3, और ये 3 फॉर्मूले के अलावा भी एक होता है 1, मतलब हमारा जो के बी है वो, देखो के बी इन तीनों से छोटा होना चाहिए लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब इन चारों से छोटा होना चाहिए। ये होता है हमारा के बी का फॉर्मूला। तो एक एक करके हमको सबके लिए करना पड़ेगा। तो के बी इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट ऑफ 1 2 3 एंड लेस देन 1.0। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग उठाएंगे यहाँ से। तो पहला फॉर्मूला क्या है के बी का, ई अपॉन 3 d₀। तो ई अपॉन 3 d₀। और ई क्या है, ई होता है एंड डिस्टेंस। तो एंड डिस्टेंस देखो, मिनिमम एंड डिस्टेंस 35, और डी नॉट क्या है, डी नॉट होता है डाई ऑफ होल जो कि 22। तो यहाँ पर रख दो इक्वल्स टू 35, 35 अपॉन 3 × 22, दिस विल गिव यू 0.53, ठीक है 0.53। तो सेकंड फॉर्मूला देखो क्या है इसका, p अपॉन 3 d₀ माइनस 0.25,
जहाँ पर पी होता है हमारा पिच डिस्टेंस, पी अपॉन 3 D0 -0.25, ठीक है, पी होता है हमारा पिच डिस्टेंस। तो देखो पिच डिस्टेंस कितना है, ये सब हमको पिच डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन था, पी इक्वल्स टू 65, ठीक है। तो पी यहाँ पर रख दो 65, 65 अपॉन 3 × D0, तो डी नॉट यहाँ पर हम देखा था 22, तो यहाँ पर रख दो 22 -0.25, इसको सॉल्व करो आपको आंसर आएगा 0.73, ठीक है। ये दूसरा आंसर है, ये पहला आंसर है, और तीसरा भी चाहिए हमको। तो तीसरे का फॉर्मूला क्या है, एफ यू बी अपॉन एफ यू बी अपॉन एफ यू। तो देखो एफ यू बी और एफ यू कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो एफ यू बी है 400 और एफ यू है 410, तो हमको क्या करना है 400 अपॉन 410, तो 400 अपॉन 410, 400 अपॉन 410 दैट विल गिव यू 0.97, तो ये तीसरा आंसर। तो देख सकते हैं स्मॉलेस्ट है 1, फर्स्ट वाला जो कि 0.53, तो देयरफॉर देयरफॉर के बी इक्वल्स टू 0.53, ठीक है। तो यहाँ से आपको के बी मिल गया। यहाँ पर जो डी है वो तो है डायमीटर ऑफ बोल्ट, टी है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। अब देखो ये डबल कवर बट जॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर कितने प्लेट हैं, यहाँ पर 3 प्लेट हैं, दो कवर प्लेट और एक मेन प्लेट, 3 प्लेट है। तो हमको थिनर देखना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर टी क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, लेकिन किन में से है, अमॉन्ग सम ऑफ कवर प्लेट मेन प्लेट। मतलब समझिए, आपको कवर प्लेट का सम करना है या फिर मेन प्लेट, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा वो होगा आपका टी। आप ध्यान से देखिए, ये हमारा मेन प्लेट है, मेन प्लेट की थिकनेस कितनी है 12, तो मान लेते हैं हम लोग मेन प्लेट को T1 इक्वल्स टू 12, और कवर प्लेट की थिकनेस कितनी है 8 mm, मान लेते हैं T2 इक्वल्स टू 8। अब देखो यहाँ पर T1 और T2, यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा T2 छोटा है। तो T2 अगर छोटा होगा, मतलब क्या है कि कवर प्लेट छोटा है, तो कवर प्लेट अगर छोटा होगा तो हमारे पास दो कवर प्लेट गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ कवर प्लेट 8 + 8 दैट इज 16। लेकिन जब हम लोग सम ऑफ कवर प्लेट करते हैं 16, 16 करने के बाद देख सकते हो 16 जो है हमारा T1 से बड़ा है। अगर हमारा T2 का सम T1 से बड़ा होगा तो हम लोग वापस से T1 को ही लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखिए, क्लियरली मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है कि आप थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट कैसे चुनेंगे। लैप कनेक्शन के लिए तो इजी है, ये T1 और ये T2, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा उसको आप थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट मानेंगे, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा, ठीक है। सिंगल कवर बट जॉइंट में क्या करेंगे, ये आपका T1 मेन प्लेट होगा T1 और कवर प्लेट होगा T2, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा उसको हम थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट मानेंगे, यहां तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन डबल कवर बट जॉइंट में कैसा होता है, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ कंडीशंस है जो सेटिस्फाई करनी चाहिए। देखो डबल कवर बट जॉइंट, स्मॉलेस्ट अमॉन्ग T1 एंड T2, T1 क्या है, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, T2 क्या है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। देखो अगर T1 स्मॉलेस्ट है तो आप डायरेक्टली थिकनेस को T1 ही लेंगे, अगर T1 स्मॉलेस्ट है, T2 से छोटा है अगर T1, तो आप थिकनेस को डायरेक्ट T1 ही लेंगे। लेकिन अगर आपका T2 छोटा निकला T1 से, तो आप क्या करेंगे, इफ T2 इज स्मॉलेस्ट देन बिकॉज देयर आर टू कवर प्लेट सो चेक फॉर T2 + T2, मतलब सम ऑफ कवर प्लेट, कवर प्लेट का सम करेंगे तभी भी आपको चेक करना पड़ेगा। देखो इफ सम ऑफ कवर प्लेट मतलब T2 + T2 लेस देन T1, अगर वो लेस देन T1 होगा
तब आप टी इक्वल्स टू टी टू मानेंगे। मतलब कैसा था, हमारा मेन प्लेट इक्वल्स टू 12 mm है और कवर प्लेट, कवर कितना है 8 mm है। अगर हमने कवर प्लेट को सम कर दिया, मतलब 8 + 8 कितना दे रहा है 16। इसका मतलब क्या है, ये हमारा कवर प्लेट को हम लोग टी टू मान रहे हैं और मेन प्लेट को टी वन मान रहे हैं, ठीक है। तो कवर प्लेट का सम करने के बाद 16 दे रहा है। टी टू प्लस टी टू इज ग्रेटर देन टी वन। अगर ग्रेटर देन टी वन है तो आप जाकर वापस से इसको ही टी लेंगे। आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेना होता है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। अगर मान लो जो कवर प्लेट है उसका थिकनेस आ जाता है 4 mm, अगर 4 mm थिकनेस आ जाता है तब आप क्या करेंगे, 4 + 4 करेंगे विच इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये जो 8 है वो 12 से छोटा है, 8 इज स्मॉलर देन 12, तो आप जाकर 8 लेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर कवर प्लेट का सम करना पड़ता है। तो होप आपको समझ में आओगे कि आपको यहाँ पर करना क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो सम ऑफ कवर प्लेट इक्वल्स टू 8 + 8 इक्वल्स टू 16 एंड मेन प्लेट इक्वल्स टू 12 mm। तो यहां से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि टी इक्वल्स टू 12 mm थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ठीक है। इसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना कि थिकनेस कैसे निकालते हैं। सब कुछ हमें गिवन है, बाकी सब FU तो हमें पता है और गामा MB भी हमें पता है। तो देखो FU की वैल्यू यहाँ पर है, FU इक्वल्स टू 410 और गामा MB इक्वल्स टू 1.25। तो सब कुछ है अभी हमारे पास, सिर्फ फॉर्मूले में उसको पुट करना है। तो चलो उसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। चलिए मैंने फॉर्मूला एक और बार लिख लिया है क्योंकि अभी हमें आसान पड़ेगा इसमें डालने के लिए। तो वी डी पी बी इक्वल्स टू 2.5 × KB। तो KB हमने यहाँ पर निकाला था, KB इक्वल्स टू 0.53, तो वहां पर रख दो 0.53 मल्टीप्लाई बाय डी। डी होता है डायमीटर ऑफ बोल्ट, तो डायमीटर ऑफ बोल्ट हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। देखो डायमीटर ऑफ बोल्ट इज 20 mm, तो वही वहां पर लिख दो 20 mm। तो डी इक्वल्स टू 20 एंड टी इक्वल्स टू 12। देखो टी इक्वल्स टू 12 हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, टी इक्वल्स टू 12 एंड एफ यू 410 एंड गामा एम बी हम लोग देख चुके हैं 1.25, 1.25। तो इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा वी डी पी बी का 1043 04, 1043 04। लेकिन ये है फॉर वन बोल्ट, ये है फॉर वन बोल्ट। लेकिन देखो हमने जब शेयरिंग स्ट्रेंथ निकाला था, यहाँ पर देखो जब हमने शेयरिंग स्ट्रेंथ को निकाला था तब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, Nm को 4 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि एक बोल्ट के लिए हमें पता था कि दो शेयरिंग प्लेन है एक बोल्ट के लिए, तो 4 बोल्ट के लिए कितना होगा 4 × 2 = 8। तो वैसे ही ये जो बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के फॉर्मूले से जो वैल्यू आती है वो आती है फॉर वन बोल्ट, लेकिन हमको इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में देख सकते हैं 4 बोल्ट है, क्वेश्चन में हमारे पास 4 बोल्ट है, तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे उसको। तो इसको जो फाइनल आंसर है इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, 1043 04 मल्टीप्लाई बाय 4 फॉर 4 बोल्ट, ठीक है। तो यहां से आंसर कितना आएगा, इस फाइनल आंसर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, तो यहां से आपको फाइनल आंसर आता है 417216, ठीक है, 417216। जो आया है वो न्यूटन में है कि किलो न्यूटन में, तो यहां पर देखो एफ यू हमने पुट किया था, एफ यू हमारा न्यूटन में है, एफ यू वैल्यू हमको न्यूटन पर एमएम में दी जाती है। देखो न्यूटन पर एमएम, तो ये जो वैल्यू होगी ये हमारे न्यूटन में होगी, लेकिन हमको चाहिए किलो न्यूटन में, तो किलो न्यूटन में इसको कर दो 417.21, ठीक है। तो ये होगा किलो न्यूटन। तो ये है आपका फाइनल वी डी पी
बी थे, आपने शेयरिंग निकाला, बेयरिंग निकाला, अब हमें टेंशन भी निकालना है, टेंशन के लिए कैलकुलेट करना है। का फॉर्मूला देख सकते हो, टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ प्लेट का फॉर्मूला होता है टी डी एन इक्वल्स टू 0.9 a n f u अपॉन गामा m l। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट टी डी एन इक्वल्स टू 0.9 इंटू ए एन इंटू एफ यू अपॉन गामा एम एल, जो फॉर्मूला था वही हमने एज इट इज लिख लिया है। लेकिन यहाँ पर जो ए एन होता है उसके ऊपर हमको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर चेन बोल्टिंग एंड फॉर स्टैगर्ड बोल्टिंग। आपको पूछू जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें किस टाइप का बोल्टिंग दिया है, चेन बोल्टिंग है कि स्टैगर्ड बोल्टिंग है कि डायमंड बोल्टिंग है, तो आप क्लियरली देख सकते हो ये जो हमारा बोल्टिंग है दैट इज चेन बोल्टिंग। ठीक है, तो इस बोल्टिंग को कहते हैं चेन बोल्टिंग। तो यहाँ पर हमें ए एन का चेन बोल्टिंग का फॉर्मूला लगाना है। तो चेन बोल्टिंग का फॉर्मूला देख सकते हो आप क्या है, ए एन इक्वल्स टू बी माइनस एन डी नॉट होल मल्टीप्लाई बाई टी। ये है फॉर चेन बोल्टिंग, जहां पर बी इक्वल्स टू विड्थ एंड एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ बोल्ट एट क्रिटिकल सेक्शन एंड टी इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। ठीक है, तो ये सब अभी देख के, क्वेश्चन में देख के यहाँ पर हमको रखना है। तो विड्थ, तो देखो क्वेश्चन में विड्थ कितना दिया है, तो यहाँ पर विड्थ देख सकते हैं 35 120 35, तो इसको ऐड कर दो कितना होता है, विड्थ मिलता है हमको 190। ठीक है, तो विड्थ हो गया हमारा 190, तो विड्थ इक्वल्स टू 190 mm। अब नंबर ऑफ बोल्ट एट क्रिटिकल सेक्शन, देखो मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली बताया था एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ बोल्ट एट क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन वो होता है जहां से प्लेट फटने के चांस होते हैं। तो देखो प्लेट फटने के चांस कहाँ पर होते हैं, स्टार्टिंग के बोल्ट की लाइन जो होती है वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास कितने नंबर ऑफ बोल्ट है एट क्रिटिकल सेक्शन। सबसे पहले मैं बताऊं कि यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है, देखो ये है हमारा क्रिटिकल सेक्शन। तो कितने नंबर्स ऑफ बोल्ट है एट क्रिटिकल सेक्शन, दो बोल्ट है, इनकी जगह पर आप लिखोगे टू बोल्ट्स। आप थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट देखो कितना है, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट क्वेश्चन में गिवन है जो कि 12 mm है। ठीक है, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट इक्वल्स टू 12 mm, तो वो चीज वहां पर रख दो 12 mm, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट इक्वल्स टू 12 mm। अब सारी चीज आपको पता है, यहाँ पर एफ यू भी हमको मालूम है क्योंकि देखो इसी फॉर्मूले में हमने एफ यू भी रखा था। ये देखो एफ यू यहाँ पर रखा था 410 है, बाकी गामा एम एल, गामा एम एल तो पार्शियल शिफ्टी फैक्टर की वैल्यू होती है, यहाँ पर देख सकते हो गामा एम एल इक्वल टू 1.25 होता है। ये सब आपको फॉर्मूलेज आई एस कोड में मिल जाएंगे, आई एस कोड 800 2007 पेज नंबर 75। ठीक है, वहां सब मिल जाएंगे, कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ डायरेक्ट जाके उस फॉर्मूले के कोड बुक में जाके देखना है। ठीक है, तो टी डी एन यहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, टी डी एन इक्वल्स टू 0.9 इंटू ए एन, इनकी जगह पर हमको पुट करना है बी माइनस एन डी नॉट, बी कितना है 190, 190 माइनस एन डी नॉट, एन कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय डी नॉट, डायमीटर ऑफ होल, होल का डायमीटर। तो यहाँ पर देखो डी नॉट इक्वल टू 22 हमने पहले कैलकुलेट कर दिया था, तो वो चीज वहां पर लिख दो। तो 6, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं कि डी नॉट इक्वल्स टू 22 होल का डायमीटर, तो यहाँ पर पुट कर दो 22 और इसको होल मल्टीप्लाई बाय थिकनेस की है 12 mm, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय एफ यू, ये पूरा एक ही ब्रैकेट में है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ब्रैकेट के अंदर है जो कि हमारा ए एन है। चाहिए तो ए एन को पहले से कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट कर दो, नहीं तो साथ में भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफ यू, एफ यू की वैल्यू है 410। ठीक है, एफ यू यहाँ पर हमने पुट किया था, जो हमारी एफ यू की वैल्यू थी 410, तो एफ यू इक्वल्स टू 410 और अपॉन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.25। तो इसको सॉल्व करो, आपको टी डी एन मिल जाएगा, यहाँ से आपको 517190। ठीक है, 517190। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई बाय टू नहीं करना है क्योंकि देखो दिस इज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट, तो मेन प्लेट हमारे पास दो नहीं है, मेन प्लेट हमारे पास एक ही है। यहाँ पर देख सकते हो मेन प्लेट हमारे पास एक ही होती है,
हमारे पास दो होती है कवर प्लेट, ये डबल कवर बट जॉइंट में दो कवर प्लेट होती है, लेकिन मेन प्लेट एक ही होती है, इसलिए यहाँ पर गलती से मल्टीप्लाई बाय टू मत कर देना। क्योंकि देखो बेरिंग स्ट्रेंथ में, बेरिंग स्ट्रेंथ बोल्ट के लिए होता है, यहाँ पर जो शेयरिंग स्ट्रेंथ था वो भी बोल्ट के लिए था, इसलिए मल्टीप्लाई बाय फोर किया था, क्योंकि चार बोल्ट थे। बेरिंग स्ट्रेंथ में भी हमने यहाँ पर जो फाइनल आंसर था उसको मल्टीप्लाई बाय फोर कर दिया था, क्योंकि चार बोल्ट थे। लेकिन जब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट कैलकुलेट किया तो मेन प्लेट तो एक ही होता है, तो डायरेक्टली ये हमारा, लेकिन ये वैल्यू न्यूटन में आएगी, क्योंकि Fu जो पुट किया वो न्यूटन में है, लेकिन किलो न्यूटन में चाहिए, तो यहाँ से किलो न्यूटन यहाँ पर कन्वर्ट कर दो, तो 517.19, ठीक है, 517.19 किलो न्यूटन। तो ये आपका TDN का आंसर है, ये आपका आ गया TDN का आंसर। ध्यान से, हमको क्या चाहिए था फॉर डबल कवर बट जॉइंट कैलकुलेट शेयरिंग बेयरिंग टेंशन। अभी तीनों कैलकुलेट क्यों किया, क्योंकि इसमें से हमको देखना है स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस इज कॉल्ड डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन, हमको निकालना था डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन, इसलिए हमने ये तीनों कैलकुलेट किया। अब देखो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, पहला है 362.17 जो कि हमारा शेयरिंग है, 362 शेयरिंग कितना है, 362। बेयरिंग कितना आया था, बेयरिंग हमको आया था 400, मतलब 300 से बढ़ाई है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना आया, 500, मतलब वो भी 300 से बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है हमारी शेयरिंग की, जो कि है 362.17। स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन को डिनोट करते हैं VDC से, ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन। तो ये आया हमारा 362.17, दैट इज इन किलो न्यूटन। तो यहाँ पर हमको डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन मिल चुका है। तो एक यहाँ पर जो अननोन था वो हमारा हो चुका है, हमको क्या बोला था, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन जो कि होता है VDC, ठीक है। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, एफिशिएंसी। तो चलिए एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, यहाँ पर देख सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट इक्वल्स टू डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, तो देखो ये है आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला, न्यू इक्वल्स टू VDC अपॉन TSP मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर हमारे पास VDC है, VDC यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था 362.17, हमको चाहिए TSP। तो TSP और TDN में ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पर देखो TDN हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, देखो TDN हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, तो TDN का फॉर्मूला देख सकते हो, 0.9 इंटू AN इंटू FU अपॉन गामा ML। तो TSP का भी सेम फॉर्मूला है, बस AN की जगह पर AG आ जाता है। तो मैं बता देता हूँ क्या है वो, तो चलिए TSP देखते हैं, TSP इक्वल्स टू 0.9 इंटू AG इंटू FU अपॉन गामा ML। तो ये आपका TSP का फॉर्मूला है, ठीक है, जहां पर AG इक्वल्स टू होता है B इंटू टी। अब B इंटू टी, B एंड टी हम लोग पहले देख चुके हैं, विड्थ एंड थिकनेस। तो यहाँ पर देखो B इक्वल्स टू विड्थ ऑफ मेन प्लेट कितना था, 190, एंड थिकनेस ऑफ मेन प्लेट कितना था, 12, तो 190 इंटू 12, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो 190 इंटू 12, तो चाहिए तो कैलकुलेट कर लो, नहीं तो फॉर्मूले में डाल के भी कर सकते हैं। तो चलिए TSP के फॉर्मूले में रखते हैं उसको, TSP इक्वल्स टू 0.9 इंटू AG, AG में AG की जगह पर रखेंगे 190 इंटू 12, ये 12 है, ठीक है, यहाँ पर 1 भी है, 12 इंटू FU। तो FU तो अब तक पता चल गया होगा आपको कि FU हम लोग यहाँ पर रखते आ रहे हैं, देखो FU की जगह पर यहाँ पर 410 रखा था, तो वही चीज़ वहाँ पर रखना है, 410। FU इक्वल्स टू 410 एंड अपॉन गामा ML, गामा ML तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है जो कि 1.25, तो यहाँ से आपको TSP मिल जाएगा। तो देखो आंसर कितना आता है, 673056, ठीक है। तो TSP इक्वल्स टू 673056, दिस इज इन न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर जो 410 है FU वो न्यूटन में, लेकिन हमको चाहिए किलो न्यूटन में, तो TSP इक्वल टू किलो न्यूटन में कर दो, 1, 2, 3, जो कि हो जाएगा 673.17
किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टीएसपी मिल चुका है। अब हमको चाहिए एफिशिएंसी के फॉर्मूले में उसको पुट करना है, तो एफिशिएंसी न्यू इक्वल्स टू वीडीसी अपॉन टीएसपी मल्टीप्लाई बाय 100। ये होता है आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला, तो यहाँ पर पुट कर दो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इक्वल्स टू वीडीसी। वीडीसी कितना है? 362.17, 362.17 अपॉन टीएसपी, टीएसपी अभी देखा हमने 673.05, 673.05 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से हमको एफिशिएंसी मिल जाएगा, परसेंटेज में आता है एफिशिएंसी, तो कैलकुलेट करते हैं एफिशिएंसी, दैट इज 362.17 अपॉन 673.05 होल मल्टीप्लाई बाय 100, दिस विल गिव यू 53.81%, 53.81%। तो यहाँ पर आपको सारे अननोन मिल चुके हैं। दूसरा अननोन है जहां पर हमको एफिशिएंसी कैलकुलेट करने को बोला था, दिस इज योर फाइनल आंसर एफिशिएंसी, एंड हमको डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन कैलकुलेट करने को बोला था जो कि है वीडीसी, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन। तो यहाँ पर हमारे दोनों अननोन हो चुके हैं और हमारा सॉल्यूशन पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। देखो यहाँ पर कैलकुलेट करने को बोला था ना वीडीसी एंड न्यू जो कि है एफिशिएंसी। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।